तो इससे तो बहुत बड़ा गर्व महसूस हुआ, बड़ा सम्मानित महसूस हुआ। लोग आए भी, उसके वो भी दी, और प्रधानमंत्री ने तो इतना सम्मान किया कि उसके बाद भी मन की बात वालों को और पद्म श्री वालों को हम लोगों को एक साथ जो उन्होंने परेड दिखाने के लिए बुलाया और 5 दिन अशोक होटल में ठहरा कर हमारा स्वागत सत्कार किया और कोई परेशानी उन्होंने नहीं होने दी। तो ऐसा लगा भाई ये मन की बात कार्यक्रम से जो हमारा नाम आया है तो बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में हमारा नाम, इससे बड़ी क्या बात होगी। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के गजरौला में बुद्ध नगर में एक रेडियो म्यूजियम है और इस म्यूजियम को स्थापित किया है राम सिंह जी बौद्ध ने। और राम अभी इस आने वाले रेडियो दिवस 13 फरवरी को वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को आमंत्रित कर रहे हैं और इसके साथ साथ मीडिया को भी आमंत्रित कर रहे हैं अपना म्यूजियम दिखाने के लिए और ये एप्लीकेशन लगाने के लिए कि उनका नाम गिनीज बुक में आ जाए। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनसे इंटरव्यू करने का, तो साथियों शुरू करते हैं। राम सिंह सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा रेडियो कलेक्शन है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात में भी आ चुके हैं, अनेक बड़े बड़े टीवी चैनल आपका म्यूजियम देखने और इंटरव्यू लेने आते हैं और आपने एक छोटे से रेडियो चैनल को इंटरव्यू के लिए हाँ भरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हेलो परविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम संचार माध्यम को देख कर या सुनकर मेरे पास जो है मेरा रिकॉर्डिंग करने का कष्ट किया। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश भंडार निगम में सर्विस करता था और उसमें 2015 में जो है वरिष्ठ भंडार चक्के पद से रिटायर हुआ और उसके बाद जो मैंने जो है उपभोक्ता न्यायालय में जो 5 साल काम किया जो कि उससे 20 में रिटायर हुआ। तो आपने कब से रेडियोज को आपने कब से कलेक्ट करना शुरू किया सर? मेरा रेडियो का शौक तो जब से रेडियो मतलब आया है, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मतलब जो है सर्विस में नहीं लगे थे, नई स्टूडेंट थे तब भी रेडियो बड़ी उत्सुकता के साथ सुनता था, मैं देखता रहता और ये मन में रहती थी कि कभी एक रेडियो मेरे पास भी हो। तो भाई परमेंद्र, मैंने जो सबसे पहले रेडियो एक पुराना रेडियो सन 1972 में लिया और इतना शौक लगा कि मैं रेडियो लगातार सुनता रहा और कभी कभार एक मुझे रेडियो मिल जाते थे उसमें मैं रखता भी था। और आपको बताना चाहूंगा पहले रेडियो को लाइसेंस भी होता था, एक आदमी जो इस प्रकार एक ही रेडियो रख पाता था, वो 2-4 रेडियो नहीं रख पाता था। और 1980 के बाद जो है शायद 85 के लगभग जो लाइसेंस जो है इसका समाप्त कर दिया और रेडियो लोगों ने रखने शुरू कर दिए। तो मेरा जो शौक लगा नहीं, एक दिन मैंने जो है सुन रहा था रेडियो, क्योंकि रेडियो सुनने का मेरा पुराना शौक, सुनता रहता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 को एक कार्यक्रम शुरू किया मन की बात, तो उससे मुझे जो है मैंने उनका प्रोग्राम सुना और बहुत अच्छा लगा। और मैंने विचार किया कि भाई जब इतना बड़ा सुलभ साधन जो है टेलीविजन है जिसमें लोग देखते भी हैं और सब गतिविधियां होती हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उसे छोड़कर रेडियो को ही क्यों चुना। तो इसलिए तब से मेरे मन में उत्कंठा जगी कि कोई ना कोई प्रधानमंत्री जी का इसमें रहस्य है और कोई ना कोई कारण है। तब से मैंने रेडियो का फिर मेरे मन में आया, फिर मैंने नेट सर्च किया तो मैंने देखा कि मानव जीवन के इतने बहुत बड़े महत्वपूर्ण उपकरण का आज तक भी कोई संग्रह नहीं बना, ना सरकार के द्वारा ना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। तो मेरे मन में आया जब हर चीज का संग्रहालय है तमाम चीजों का, तो रेडियो का भी देश का संग्रहालय होना चाहिए। और मैंने रेडियो का कलेक्शन 3 अक्टूबर 2014 से करना शुरू किया
और स्थिति आज यहाँ तक पहुंच गई है। मेरे पास जो डिफरेंट 1200 रेडियो है, वैसे भी 100-200 अलग, कुल 1500 है, लेकिन डिफरेंट 1200 रेडियो मेरे पास है। इस रेडियो संग्रहालय का संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के एपिसोड 160 में लिया, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने जो है मुझे 26 जनवरी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया और 5 दिन जो वहाँ दिल्ली में ठहरा कर वहाँ के स्थलों का निरीक्षण कराया और परेड को दिखाया। प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। वाह जी वाह, हम भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत में कोई ऐसे सज्जन हुए जिन्होंने इतना बड़ा कलेक्शन एक म्यूजियम बनाने की सोची। और साथ ही मैंने एक प्रश्न तैयार किया था कि रेडियो ही क्यों चुना आपने, साथ ही मुझे उसका उत्तर भी मिल गया। अब सर, रेडियो चुनने का मेन कारण ये है सौरायण जी कि रेडियो जो है सर्व सुलभ साधन है, टेलीविजन के नहीं हर एक के पास हो, टेलीविजन की वेव ये नहीं कि हर जगह के पास हो, जब रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि इसकी हर जगह मतलब पहुंच है। और लगा है कि आप 100 रुपए से लेकर कितने तक का रेडियो खरीद लो, जेब में रख लो, और सरकार का भी जो है जनमानस का माध्यम सर्वसर्व होने के कारण बहुजन हिता है, बहुजन सुखा जो इसका लोगो है वो ये प्रदर्शित करता है कि ये सब लोगों को सुखों के लिए और हितों के लिए है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको चुना जो है। अच्छा सर, आपसे एक प्रश्न मुझे ये पूछना था कि क्योंकि देखिए कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, एक लंबे दौर तक आपने ये कलेक्शन किया होगा, तो क्या क्या परेशानियां पेश आई आपको? कोई परेशानी तो भाई साहब इसमें देखो, कोई भी आप काम नया करने निकलो आती है, मतलब जगह तरह से रेडियो लाना और अपने कंधे पर लादना और फिर उसमें रखना, इसमें रखना, घर वाले बहुत मना करते थे क्योंकि अच्छी खासी मेरी नौकरी थी, तो कहते तुम लोग तुम क्या ये पागलपन कर रहे हो, मजार मजाते हो, कबाड़ी में ढूंढते हो और इसे लाते हो, बहुत कहा सुना था मैं, बेटे ने भी बेटी ने भी सब ने, लेकिन भाई शौक ऐसा लगा प्रबंधक जी कि मैं रुक नहीं पाया, निरंतर जो चलता रहा। क्या बात है जी, और आपके उत्तर से ही जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है सर कि कभी आपको स्वयं को ऐसा लगा कि भाई बहुत हो गया अब आगे कलेक्शन नहीं करूंगा, बंद कर देता हूँ? नहीं, ये शौक किसी भी चीज का होता है, किसी भी आदमी का, उसके लिए बहुत नहीं होता, वो तो अंतिम स्टेज तक उसका वो करता है। तो मेरा भी कहना ये नहीं कि 1200 या 1500 रुक गया या मेरा गिरीज में आ जाएगा, मैं तो भाई ये लगातार मेरा काम चलता है, मेरा शौक है, जब तक मेरा मतलब चलने में फिरने में समर्थ हूँ तो मैं छुट्टा मुट्टा जैसे भले ही है, लेकिन मेरा ये शौक जो खत्म नहीं होने वाला। हाँ जी सर, तो इसी बीच आपके साथ चर्चा के समय कुछ गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड्स की है उसकी भी आपने कुछ चर्चा की थी, उस बारे में आप हमें थोड़ा सा और बता सकते हैं कि आपके म्यूजियम की क्या स्थिति है? उनका जो अभी 2-3 दिन पहले शायद 5 तारीख में मेल आया था, और हमने जो उनको लिस्ट वगैरह भेजी है, फोटोग्राफर भेजे हैं, अब वो कह रहे हैं कि गिनती कर करके एक एक का हमें भेजी भेजो और वो भेजी भेज दिया जाएगा जल्दी, और वो सप्ताह मार्च में जब ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा रिकॉर्ड का, क्योंकि अब तक 625 का हमारे यहाँ ही रिकॉर्ड साहब है, वो महाराष्ट्र के नाम है, 625 रेडियो का। वाह जी वाह, बहुत खूब, आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक आदमी जब अपने जुनून को फॉलो करता है तो बाकी दूसरे लोगों का भी इसमें भला होता है, उन्हें भी सीखने देखने को मिलता है जो आपके म्यूजियम में जाएगा। और मैं भी एक दिन अवश्य सर आपके म्यूजियम में आऊँगा, एक दिन हम रूबरू आमने सामने भी इंटरव्यू करेंगे। अच्छा सर, कब तक कलेक्शन करते रहने की मन में है आपके? भाई मेरे जब तक मैं बिल्कुल नहीं थक जाता या बिल्कुल असमर्थ नहीं हुआ तब तक मैं तो करता रहूँगा कलेक्शन, जो चाहे भले वो गिरीज की बुक के बाद भी कितने समय लग जाओ करता रहूँगा। बहुत खूब जी। अच्छा देखिए, रेडियो कलेक्शन करना एक अपनी अलग जगह एक अलग काम है और रेडियो को सुनना एक अलग काम है, रेडियो को सुनना आपको कितना पसंद रहा है? भाई अपने साथ ही रखता हूँ रेडियो, हालांकि मैं 5 दिन दिल्ली गया था अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में रिपब्लिक डे के, वहाँ अपने रेडियो साथ ले गया था मैं, तो वहाँ भी मैंने कई बार पत्रकार मुझे भी ये किया, मेरे साथ में तो रेडियो कलेक्शन कर रेडियो में वो हूँ तो मैं तो अपने साथ ही रखता हूँ, तो वहाँ के तमाम पत्रकारों ने आकाशवाणी में जो रेडियो मैंने का ही नाम भी दिया है। बहुत खूब जी, ये होता है आज के समय में लोगों को सुनकर हैरानी होती है कि कोई रेडियो के लिए दीवाना है।
अच्छा सर, आपने जब आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी तो आपने रेडियो के अलावा भी कुछ और आइटम्स का बताया था कि आप कलेक्ट करते हैं। हाँ, रेडियो के अलावा भी टेलीफोन से मेरे विभिन्न प्रकार के बड़े से बड़ा मतलब मोबाइल्स वगैरह है, घड़ियाँ हैं, फिर मैकेनिक घड़ियाँ, ये घड़ियाँ नहीं आज की इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल घड़ियाँ जो बंद हो चुकी हैं, जो 100-125 साल पहले चलती थी, जेबी घड़ियाँ जिसे देखो अपने गांधी जी लटकाए रहते थे, वो घड़ियाँ भी हैं, पेन का कलेक्शन भी है, और ज़्यादातर मेरा जो रेयर बुक्स और पांडुलिपि की तरफ जो मेरा ध्यान ज़्यादा है रेडियो के साथ में। वाह जी वाह, ये एक ट्रू कलेक्टर की निशानी है कि आपने ऐसे एंटीक आइटम्स को कलेक्ट किया है, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। सर, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, आप जब कुछ भी करने निकलते हैं, अब मान लीजिए कलेक्शन करने निकले हैं, तो ये जो सफर रहता है इसके अनुसार आदमी बहुत कुछ सीखता है, आप हमारे साथ कुछ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं? किस प्रकार? जैसे कुछ खट्टे मीठे जनता समाज? नहीं नहीं, जैसे हम मार्केट वगैरह में जाते हैं ना, कहीं जैसे दिल्ली मार्केट लगता है या मेरठ है या मऊ, वहाँ तमाम लोग मिलते हैं जो बेचारे थोड़े शौकीन हैं, तो वो अपना अपना जो ढूंढते फिरते भाई हमें क्या मिल जाए क्या, तो लोगों से बात होती है तो मैं उनसे भी ये उत्साह मिलता है भाई यार, ये तमाम इतनी उम्र के लोग जो यहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई डाक टिकट वाले मैंने देखा तो जो डाक टिकट बेचने वाले उनके पास नीचे ही बैठे रहते हैं, डाक टिकट उस शीशा लेकर नहीं दिखता है, उसे सर्च करते भाई कब का क्या है, लोग लेते हैं, तो अपने अपने विभिन्न प्रकार के शौक है, मैंने देखा इसमें उम्र कोई आड़े नहीं आती आदमी के, शौक ऐसी चीज है वो जो है कुछ भी करो आप वो निकल जाएगा और उस चीज़ को खोजता रहेगा, ये अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है इससे जो, क्योंकि काफ़ी पुराने इससे बड़े उम्र के लोग मिलते हैं ये कभी कभी मार्केट में ये, और जो बड़े बड़े अच्छे घर के जिनके पास जो है 10-10, 5-5 गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन मैंने देखा वो पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, मैंने भी क्या करोगे आप, अरे भाई इनको ये कहाँ मिलेगा, रख रहे हैं लोग जो, जैसे आजकल देखा होगा आपने पुराना टेलीफोन, डायल वाला टेलीफोन दिखाई नहीं देता, लोग उसे कलेक्ट कर रहे हैं काय के लिए, केवल घर में रखने के लिए, ये भी टेलीफोन होता था, तो मेरे पास तो वो सब चीज़ें जो मतलब मेरा ये शौक है, जो चीज़ बंद हो चुकी है और बन नहीं रही है उसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, मुरादाबाद के पुराने बर्तन भी हैं मेरे पे, पीतल के बर्तन भी हैं, पत्थर के बर्तन भी हैं, तांबे के बर्तन भी हैं, और तो ऐसी तमाम सामान है आपको क्या बनवाऊँ, और रेडियो संबंध में DD है, CD है, ये सब सामान जो मैं कलेक्ट करके मैंने एक एक दो दो पीस इनके रखे हैं, जो कि आपने देखा होगा रेडियो से उससे मोबाइल से पहले एक यंत्र होता है छोटा जेब पर लगाया जाता है पैंट में लगाया, पेजर, सुना है आपने पेजर का नाम, देखा है? हाँ, तो वो मोबाइल वो उसमें क्या होता है संदेश रिकॉर्ड होकर घंटी बज जाती थी, आदमी ये देख लेता कि मुझे फला जगह बुला रहा है, ये आदमी कह रहा है, उसकी मीटर की उसकी जो रेंज ज़्यादातर 100 या 200 मीटर की होती थी, तो बड़ा अच्छा उपकरण, उसके बाद ही मोबाइल का आविष्कार, तो वो पेजर भी मेरे पास है, तो मैं जो चीज़ देखता हूँ जो विलुप्त हो गई है हो रही है ना उसे मैं रख लेता हूँ अपने संग्रहालय में, आपने देखा होगा पहले उसमें पिलोपी चलती थी उसमें कंप्यूटर में है? उसके बाद सीडी आ गई, उसके बाद PD आ गई, लेकिन मैंने वो भी रखा है जो पहले वाला वो है वो भी रखे हैं मेरे पास, मतलब इस प्रकार का मेरी निगाह रहती है जो चीज़ जो बंद हो चुकी है या लोगों से बेकार हो चुकी है जो बन नहीं रही है तो उसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सर आप कमाल हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। सर मेरा तो एक छोटा सा कलेक्शन है, मेरे पास 40 रेडियो हैं, किंतु फिर भी कोई उन रेडियोज को हाथ लगा दे तो ऐसे मेरा दिल जोर से धड़कने लग जाता है, तो सर आपके पास इतने लोग आते हैं और कोई यदि रेडियोज को छूने लगता है देखने लगता है तो सर आपको कैसा अनुभव रहता है? ऐसा भाई देखो दुख तो लगता है, ये कोई गेर ना दे या कोई ऐसा कोई इसका स्विच हट के बेकार ना कर दे, तो मैं कह देता हूँ भाई जो देखो मैं खुद दिखा देता हूँ, मैं उठा कर भी ऐसे चलता है और ये इसका फंक्शन है, तो लोग मान जाते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चे देखते हैं दूर से तो उन्हें बता दिया जाता है, क्योंकि मैंने वो एक अलमारी में या मतलब रैक्स में रख रखे हैं, तो इस प्रकार से कुछ ज़्यादा कोई उठा नहीं पाता, लेकिन जब उठाने की कोशिश करता मैं उसे अपने आप स्वयं उठा के उसका फंक्शन समझा देता हूँ। हाँ जी सर, और पत्रकारों से जुड़ा एक बड़ा स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है कि आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, तो ऐसा ये घिसा पिटा प्रश्न मेरा ये है कि मन की बात कार्यक्रम में आपका नाम आने के बाद और कैसा अनुभव रहा आपका और कैसा लगा आपको? भाई ये तो प्रवीण जी बहुत ही मतलब गर्व की या शोहरत की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास हर महीने इस काम के लिए मेरे ख्याल में कई हजार चिट्ठियां और कई हजार मेल पहुंचते हैं, समझ गए?
लेकिन उनमें से चार पांच चिट्ठियों का चुना जाना ही मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद चार पांच चिट्ठियां चुन के उन्हें देख के प्रधानमंत्री जी उसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो ये तो भाई देश में क्या, और लगभग ये 30-35 भाषाओं में प्रसारण होता है इसका, मन की बात का। तो इससे तो बहुत बड़ा गर्व महसूस हुआ, बड़ा सम्मानित महसूस हुआ। लोग आए भी, उसके वो भी दी, और प्रधानमंत्री ने तो इतना सम्मान किया कि उसके बाद भी मन की बात वालों को और पद्मश्री वालों को, हम लोगों को एक साथ जो उन्होंने परेड दिखाने के लिए बुलाया और 5 दिन अशोक होटल में ठहरा कर हमारा स्वागत सत्कार किया और कोई परेशानी उन्होंने नहीं होने दी। तो ऐसा लगा भाई ये मन की बात कार्यक्रम से जो हमारा नाम आया है तो बहुत बड़ी बात है, और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में हमारा नाम, इससे बड़ी क्या बात होगी। वाह जी वाह, बहुत खूब जी। और देखिए, जब इतना बड़ा कलेक्शन होता है, एंटीक आइटम्स हैं, मैं अच्छे से समझता हूँ कि जो पुराने पुराने रेडियो हैं उनको बहुत महंगे में दिया जाता है, तो ऐसे में जो सारा पैसा रहा, जो फाइनेंशियली जो मामला रहा, क्या आपको कहीं से कोई सहायता मिली? नहीं नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मैंने तो अपना सब रिटायरमेंट के फंड्स वगैरह जो भी है, भले ही बच्चे बहुत नाराज होते और हो भी रहे, वो मैंने सब इसमें लगा दिया अपने शौक में। वाह जी वाह, इसको कहते हैं जुनून। तो सर, आपसे जाते जाते अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप रेडियो के प्रशंसकों से, रेडियो के चाहने वालों से और सामान्य जनता से, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्या आप अपने म्यूजियम के लिए या अपने कलेक्शन के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, अपील मेरी यही है भी जिसके पास जो भी सामान रखा है वो कबाड़ियों को ना दें, उसे फेंकें नहीं, उसे नष्ट नहीं करें। अगर आप रख नहीं पा रहे, मुझे फ़ोन कर दें या मेरे पास जो मेरा पता है, मैं नंबर दे दूंगा सबको, आपको भी नंबर दे रखा, मेरे पते भेज दें, चाहे भले उसका शुल्क भी ले सकते हैं आप जो, तो उसे मैं अपने आप सहेज कर रखूंगा। और कुछ ज़्यादा मुझको देगा तो मैं उसका उसमें गैलरी बना दूंगा, उसका जो नाम जो है सदा के लिए म्यूजियम में रहेगा। और एक बात आपके संज्ञान में लाऊंगा शिवरण जी, हमारे इस म्यूजियम का संज्ञान जो यूनेस्को ने लिया है परसों, मैंने 5 तारीख को, उनकी चिट्ठी भी मेरे, हाँ उनकी चिट्ठी मेरे पास आई है, कह रहे हैं भाई ये ऐसा म्यूजियम जो है देश में, वो आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि देश में क्या पूरे विश्व में नहीं है। राम सिंह सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके इस, मैं कहूँगा, पुण्य कार्य में। और आपने अपने व्यस्त जीवन से हमारे लिए इतना समय निकाला और तकलीफ उठा करके आपने ये इंटरव्यू दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। भाई मैं भी धन्यवाद किया, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप जो है कहने से नहीं, किस दिन यहाँ आए, हरियाणा ज़्यादा दूर भी नहीं है या दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूरी पर ही मेरे म्यूजियम है, बिल्कुल ऑन रोड है, इसे आप देखना है, देख कर जो फिर उसके बाद आप लोगों को बताएं। और इसमें भाई आप भी रेडियो से, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, आप रेडियो से बहुत जुड़े हुए और बहुत आपके फॉलोअर भी हैं, तो लोगों से आप भी अपील करें कि भाई एक रेडियो म्यूजियम भारत में तैयार हो रहा है, तो आप अपने रेडियो चाहे तो उन्हें बेचना चाहें बेच दें, और दान में देना चाहें दान में दे दें, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करें, उन्हें विलुप्त नहीं करें, तो वहाँ पर पहुँचा दें। ये आपसे मेरी अपील है, और आप सब लोगों से अपने जो कहो। जी सर, मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों से और जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, मैं हर किसी से ये अपील करता हूँ, जिस प्रकार से, जिस किसी भी प्रकार से, और जैसा जैसा सर ने अपील की, आप अपनी तरफ से सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद। नमस्कार सर।